नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नया नेटवर्क। आपको बता दें कि डेडिकेटेड कोविड सेंटर सिवान के मालवीय नगर मूर्ति से ठीक सामने कोविड सेंटर बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि इसमें 100 बेड का कोविड सेंटर है, जिसमें सिर्फ कोरोना पेशेंट का इलाज होना है, जिसमें जेंट्स वार्ड अलग है, लेडीज़ वार्ड अलग है, जिसका निरीक्षण ने आज सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे तलबल के साथ पहुँचे थे। आपको बता दें कि हर एक चीज़ की बारीकी से निरीक्षण की गई। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यह निकल कर आ रही है कि जो मरीजों की शिकायत थी कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जा रहा था और फिर उसमें मिलने में कहीं कहीं देरी हो रही थी, इस तरह की सूचना मिल रही थी, इसको बिल्कुल एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है और छोटा सा एक मशीन लाया गया है जो कंटिन्यू वो ऑक्सीजन बनाता रहेगा। ऑक्सीजन मेकर मशीन कह सकते हैं उसको। ऑक्सीजन उसका काम है बनाना और ऑक्सीजन उसमें से ख़त्म नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको बता दें कि सिवान जिलाधिकारी ने कहा है कि हर सुविधा इसमें मुहैया कराई जाएगी और जिस तरह से इंतजाम दिखे उससे यह तो साबित है कि ये सिवान का नंबर वन कोविड सेंटर कहा जा सकता है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सब जांच करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद सिवान के जिलाधिकारी ने लोगों से क्या कहा है। हर तरह की सटीक खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये डाइट का जो कैंपस हम लोगों ने चिन्हित किया था, ये ड्यू था, मंडे से हम लोग इसको ऑपरेशनल करना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था पूरी हो चुकी है और इसमें 100 बेड की फैसिलिटी है ये, और सभी बेड्स पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था हम लोगों ने की है, और स्पेशली हम लोग इसमें सिलेंडर पे नहीं बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई में जो बराबर एक इशू आता है, सिलेंडर ख़त्म हो गया फिर हम लोग उसको भरवा के लाते हैं। हालाँकि पेशेंट्स को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जिस तरह की भराने और ले आने में एक नेचुरल प्रॉब्लम होती है सिलेंडर्स के लिमिटेड नंबर्स की वजह से, तो यहाँ पे वैसी कोई इशू नहीं होगी। वहाँ पे भी बराबर ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन हम लोग का जो एक बराबर गोपालगंज से जाके भराना फिर वापस लाना, उसमें जो समय लगता है वो काफ़ी बचेगा। इसमें 100 बेड की फैसिलिटी है, किन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। कोविड पॉजिटिव जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 या उससे नीचे है, तो बिना कोई हिचक के सीधा यहाँ पर आए। गेट पे आपने देखा होगा, एक यहाँ पे हम लोग का हेल्प रूम है, हेल्प काउंटर है, वहाँ पे आएँ, बताएँ अपनी समस्या। सांस लेने में दिक्कत है, मैं कोविड पॉजिटिव, अगर नहीं भी पॉजिटिव हूँ, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वहाँ पे सीधा बताएँ। ऑक्सीमीटर से गेट पे ही चेक होगा, और वो जो मरीज़ हैं कोविड पॉजिटिव जिनको सांस लेने में दिक्कत है वहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर उनको एंट्री मिल जाएगी। महाराजगंज में भी देखा गया है 100 बेड का होने के बाद भी अधिकतम 50 या 55 ही भरे हैं, लगभग 17-18 डिस्चार्ज होते हैं, 14-15 एडमिट होते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा महसूस होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सांस में दिक्कत है लेकिन स्वतः वो निकल के नहीं आ रहे हैं। तो ये जो फैसिलिटी डेवलप की गई है, डेफिनेटली ये हमारे सदर अनुमंडल के जो लोग हैं जो हिचकिचा के हो सकता है इतना दूर नहीं जाना चाहते हों, उनके लिए वरदान साबित होगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखिए कई तरह की फैसिलिटीज़ दे रखी है। ऑक्सीजन की कोई समस्या यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हम लोग पूरा डिपेंडेंट हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उनके जो परिजन आते हैं, उनका हमेशा एक कंप्लेन होता है कि हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग रुकें कहाँ। अमूमन वो हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को भेजने के बाद कहीं इधर उधर रहने लगते हैं अपनी इच्छानुसार, या कई बार वो ज़्यादा एंग्जाइटी उनमें होती है तो उसके आसपास ही बैठने लगते हैं। तो इसी कैंपस में पीछे एक बड़ा सा कमरा हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसे मैट वगैरह बिछा रखा है, तो वहाँ पे भी वो रह सकते हैं। और यहाँ जितने भी परिजन आएंगे इनका पर डे हम लोग एंटीजन के माध्यम से जांच भी करेंगे, जस्ट इन केस अगर कोई पॉजिटिव है तो वो भी होम आइसोलेट हो पाए, अगर उनको कोई सांस में दिक्कत होती है तो वो सीधा यहाँ पे एडमिट हो सकते हैं। तो ध्यान यही रखना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आए जिसको 96 ऑक्सीजन है, SpO2 लेवल या 97 है खाली ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन सांस में दिक्कत हो तभी आए, अदरवाइज होम आइसोलेशन ही बेस्ट इलाज है। और परामर्श जो हमारे कोविड कंट्रोल रूम से दिया जाता है उसका